Hello and Jai Hind everybody, welcome to Force Defense Academy. I am Aryashree Solanki and from now onwards we'll be bringing new information जो एस एस बी और आपके रिटन पेपर्स की पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आज हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट इन डिफेंस से. इसी की अगली सीरीज रहेगी फर्स्ट इन साइंस जो हम कल कवर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इन डिफेंस से क्या मतलब है कि हर वो फर्स्ट एक अथॉरिटी जो डिफेंस से हम देखे जाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर जो कि थे बलदेव सिंह चोकर जी. इस बार का जो एफकार्ट का पेपर था उसका सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, बहुत कम लोग जवाब दे पाए थे. इसका आंसर है बलदेव सिंह चोकर जी. ठीक है, बलदेव सिंह वॉज दी ऑप्शन गिवन दे. अब हम इनके बारे में और जानते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस बलदेव सिंह वॉज चोजन टू बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, हैंस बिकमिंग द फर्स्ट सिख डिफेंस मिनिस्टर. तो ऐसा भी पूछा जाएगा किसी पेपर में कि पहले सिख डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वो भी बलदेव सिंह जी ही होंगे हमारे. ठीक है, एंड सर्व्ड इन दिस पोस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट कश्मीर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और जो हमारा जो फर्स्ट कश्मीर वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, मेजॉरिटी जितने भी इंडिया पाकिस्तान वॉर्स हैं वो सारे कश्मीर के पीछे ही होते हैं, ये सब हम सबको पता है. तो जो फर्स्ट वॉर हुआ था उस टाइम भी ये ही सर्व कर रहे थे. ही इज़ एड्रेस्ड ऑफन विद द टाइटल ऑफ सरदार. सरदार भी बोला जाता है इनको, विच इन पंजाब एंड हिंदी मीन्स लीडर और चीफ. ठीक है, तो लीडर या चीफ जो होता है सरदार, और सरदार बोला जाता है किसमें, पंजाबी और हिंदी में. ठीक है, तो इनका एक और नाम था सरदार. इनको एक और चीज़ बोल रहे थे फर्स्ट सिख डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और नॉर्मली फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर भी यही थे. कौन? बलदेव सिंह जी. ठीक है, तो ये याद रखेंगे. अगला फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया के एम करियप्पा. ठीक है, के एम करियप्पा जी जो थे हमारे, वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे हमारे फ्री इंडिया के. फ्री इंडिया के मतलब इंडिया जब आज़ाद हुआ उसके बाद. तो इनके बारे में हम जानेंगे. फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, इनकी हमारी बर्थ डेट है 28 जनवरी 1899 एंड 15 मई 1993. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है. ही लेड इंडियन फोर्सेज ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर. ठीक है, तो कश्मीर के पीछे जो वॉर हुआ था इंडो पाकिस्तान का, तब डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बलदेव सिंह जी. और डिफेंस फोर्सेज जिनने लीड करी थी हमारे इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे जो वेस्टर्न फ्रंट में, उनका नाम क्या था? के एम करियप्पा जी. ये क्या थे? हमारे फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे ये हमारे इंडियन आर्मी के. ही इज़ वन ऑफ द ओनली टू इंडियन आर्मी ऑफिसर्स टू होल्ड द 5-star रैंक ऑफ फील्ड मार्शल. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिर्फ दो ही ऑफिसर्स को आज तक 5-star रैंक मिली है फील्ड मार्शल में. एक तो जो है के एम करियप्पा जी हैं, और दूसरे जो हैं वो हमारे फील्ड मार्शल हैं सिम मानेकशॉ. ठीक है, तो ये हमको याद रखना है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इनको कैसे भी करके वो आपके पेपर में पूछ सकते हैं स्टैटिक जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन में, तो आपको ये याद होना चाहिए. अब बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं. फर्स्ट कमांडर इन चीफ इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, इंडियन आर्मी के तो हमने देख लिए, अब इंडियन एयरफोर्स के कौन है हमारे? सुब्रतो मुखर्जी जी. ठीक है, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ये बॉर्न हुए थे 5 मार्च 1911 को. ही वॉज एन इंडियन मिलिट्री ऑफिसर हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ. ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे हमारे एयरफोर्स के, है ना, सुब्रतो मुखर्जी जी. ही वॉज अवॉर्डेड सेवरल ऑनर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ 3-decade लॉन्ग करियर एंडेड बाई हिज अनटाइमली डिमाइज. ठीक है, तो उनका अनफॉर्चुनेटली जो है उनके पूरा टेन्योर के पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी, जिससे उनका वो सर्विस ख़त्म हो गई वहाँ पे. ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियन एयरफोर्स के फादर किसको बोलते हैं? सुब्रतो मुखर्जी जी. ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन है इंडियन एयरफोर्स के, तो भी सुब्रतो मुखर्जी जी. ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखनी है. एक और वापस बैक जाओ आप के एम करियप्पा पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या? 5-star रैंक के जो हमारे ऑफिसर्स थे, है ना, दैट. नाउ फर्स्ट फील्ड मार्शल जो थे हमारे सेम मानेकशॉ, ये भी याद रखेंगे, वन वर्ड्स में आ जाता है. फर्स्ट परमवीर चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर सोमनाथ शर्मा. फर्स्ट फीमेल जवान इन द आर्मी, शांति टिग्गा. इस बार आया था सबसे पहली फीमेल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था. ठीक है, तो वो कौन थी? जंको तेवई. तो ये सब आपको याद होना चाहिए, सारे फर्स्ट जो है हम सब कवर करेंगे. एंड स्टिल यू शुड ऑलवेज रिमेंबर ऑल द फर्स्ट, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसमें पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है. सबसे फीमेल जवान, द फर्स्ट फीमेल जवान इन द आर्मी, वो शांति टिग्गा. नाउ फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट, बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ये है अवनी चतुर्वेदी हमारी. ये जो है फर्स्ट फीमेल हमारी फाइटर पायलट हैं जो बिना को पायलट के फ्लाई करेंगी. ओके, तो हमें पता होना चाहिए. नाउ फर्स्ट कॉस्मोनॉट. कॉस्मोनॉट लोगों को समझ नहीं आता क्या है कॉस्मोनॉट. ठीक है,
एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, ये सब जो है हमारे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए. कौन थे हमारे फर्स्ट कॉस्मोनॉट? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा. आपको फेस से आप बिल्कुल रिकग्नाइज करेंगे, बचपन की जीके बुक में सबने पढ़ा होता है इन लोगों के बारे में, ठीक है. तो ये हमारे जो थे विंग कमांडर रह चुके थे. ही इज़ अ फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट हु फ्लू अबाउट सोयस T-11 ऑन 3 अप्रैल 1984. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बेसिक नॉलेज के लिए आप जान लीजिए कि ये सोयस T-11 में पार्ट रहे हैं. नाउ सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के भी ये पार्ट रहे हैं, ठीक है, जो USSR मतलब रशिया और इंडिया का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें. ही इज़ द ओनली इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल इन स्पेस, ठीक है. उस टाइम पे सिर्फ यही एकमात्र इंडियन सिटीजन थे जो स्पेस में गए थे. इनके साथ साथ दूसरे भी इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं थे. अब इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन में डिफरेंस क्या है? इंडियन ओरिजिन मतलब उनके पापा या उनके पापा के पापा जितने भी एंसेस्टर्स वगैरह हैं वो इंडिया के होंगे, बट दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ऑफ इंडियन ओरिजिन. और इंडियन सिटीजन कौन? जैसे हम और आप सब जैसे जो इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं. नाउ अदर एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु ट्रैवल टू स्पेस हु वर नॉट इंडियन सिटीजन्स. तो मैंने अभी बता दिया कि सिटीजन्स और ओरिजिन में डिफरेंस क्या है. नाउ मूविंग ऑन, फर्स्ट वुमेन इन इंडियन आर्मी अवॉर्डेड द कोवेटेड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राइज. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा. कौन थे हमारी? दिव्या अजीत कुमार जो थी, इनको पहली बार जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड किया गया है. फर्स्ट वुमेन थी ये, ठीक है. इनके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं. कैप्टन दिव्या अजीत कुमार इज एन आर्मी एयर डिफेंस ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी. शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम OTA. OTA कहाँ पे? हमारा चेन्नई में, आप सबको पता होना चाहिए. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी कॉन्फर्ड बाई आर्मी विद द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राइज. सबसे पहली वुमेन जिनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राइज मिला है, ठीक है. इन्होंने जो है कंटीजेंट लीड किया था 154 वुमेन वाला, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल. और इनको बेस्ट कैडेट वाला वो मिला है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, हमने देख लिया, ठीक है. तो ये जो थी पूरी डिटेल थी आज की फर्स्ट इन डिफेंस. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो. स्टे कनेक्टेड. जय हिंद.